तो दोस्तों नूह पहुंच चुके हैं और आज हालात क्या है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए सभी बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है वो यहाँ इस समय यहाँ पहुँचे हुए हैं और मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये है वो सहारा होटल, जिसके ऊपर से बताया जा रहा है कि जो शोभा यात्रा है उसके ऊपर पथराव किया गया था, लेकिन आज इस होटल की जो हालत है वो बिल्कुल डैमेज है। जैसे ही ये हालत पैदा हुई उसके बाद सरकार ने अपना रूप दिखाया और प्रभाव से जुड़ा और इनको इलीगल घोषित किया गया। पुलिस की जो टीम है इस समय वो लगातार यहाँ चौकबंद है, चारों तरफ से सभी चारों तरफ बैठे और हर एक गाड़ी हर एक व्यक्ति का हर एक रेंटल कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है और चाहे वो मीडिया चाहे कोई भी है उन सभी को यहाँ चेक करने के बाद अंदर एंट्री करने दी जा रही है। और मेरे बिल्कुल पीछे ये वो होटल जिसकी तीसरी मंजिल से शोभा यात्रा के ऊपर और पत्थर भी मैं आपको दिखाऊं, पत्थर भी हमने देखे बहुत ज़्यादा नुकीले पत्थर थे जो उनके लोगों के ऊपर फेंके गए और बहुत ज़्यादा संख्या में ईंटे पत्थर जो है पहले चढ़ाए गए थे। और बताना चाहूँगा कि पेट्रोल बमों का जो इस्तेमाल है गाड़ियों को जलाने में पेट्रोल बमों का इस्तेमाल यहाँ किया गया, काफ़ी जो तैयारियाँ हैं वो वहाँ दिखाओ एक बार प्लस वो दिखाओ कुछ ना कुछ वहाँ भी सड़क के बिल्कुल ऊपर जो है वहाँ जलाया गया है। और ये तस्वीरें जो आपको नज़र आ रही हैं नूह की है और नूह के इस तरफ यहाँ पर लेकर जाना, देखिए इस तरफ भी जो है कुछ ना कुछ जलाया हुआ और गाड़ियों के जो शीशे हैं वो यहाँ फोड़े गए हैं। जो आपके सामने गाड़ी नजर आ रही है गाड़ी वैसी खड़ी लेकिन इसका जो शीशा है उसी दिन अलग लगभग ये लगता है कि तोड़ा गया। और ये होटल है आपको तीसरी मंदिर से जो फुटेज आपको सभी चैनलों पर नज़र आ रही थी कि ऊपर से जो है पत्थर फेंके गए हैं शोभा यात्रा के ऊपर, लेकिन प्रशासन पूरा एक्शन में आता है उसके बाद लेकर और चकनाचूर करके इसको ज़मीन में मिलाने का काम करता है। जिन लोगों की वजह से ये तस्वीरें सामने आई, जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और बिल्कुल एक्शन में है। और यदि मैं बात करूँ सभी न्यूज़ चैनल्स की गाड़ियाँ जो हैं ये भी यहाँ कुछ थी और उधर भी वो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ मुझे कुछ और जो तस्वीरें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, साथी को कहूँगा कि एक बार जरूर पुश कर लें। बड़े बड़े जो चैनल हैं वो लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हैं और उसके बाद जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन और यहाँ पुलिस की जो रेड है वो यहाँ चल रही है और इस समय पुलिस की गाड़ियाँ मार्क फ्लैग निकालते हुए करके एक बार फ्लैग हाथ निकालते हुए तरफ भी दिखाओ अमित ये भी दिखाओ यहाँ भी तोड़ दिया गया है सारा कुछ और क्योंकि इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जो है प्रशासन ने पहले कुछ नोटिस दिए थे, लेकिन वो होटल जहाँ लिखा हुआ शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नलहड़ वहाँ बिल्कुल उसके बीचों बीच आपको तस्वीरें जब नज़र आई उन तस्वीरों में क्या था कि तीसरी मंजिल से शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, उस होटल को प्रशासन के द्वारा मिट्टी में जो है मिला दिया गया है। अभी अधिकारियों के द्वारा फ्लैग मार्च यहाँ निकाला जा रहा है, फ्लैग मार्च का मतलब है कि शांति आप बनाए रखिएगा। अभी और भी गाड़ियाँ प्रशासन की और भी लगातार जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन किसी भी समय लिया जा सकता है। और अभी जो बड़े अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं और देखना ये होगा कि अगली जो कार्रवाई है वो क्या महाविद्यालय जो राजकीय मेवाड़ महाविद्यालय उसमें जो
आपकी राय क्या है वो आपको मंडी में बताना चाहते हैं। बने रहिएगा संदर्शन हरियाणा के साथ में।